नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दरअसल राज्यपाल शासन के बाद जम्मू और कश्मीर में आतंकी घटनाएं तो हो रही हैं, क्योंकि वहां के लोगों की फितरत ही कुछ ऐसी है। परंतु सेना को अब मोदी सरकार ने खुली छूट दे दी है कि जहां कोई आतंकवादी दिखे सीधे सीधे ठोक दो। तो रविवार को कुलगाम ज़िले में गश्त पर निकली सेना की एक टुकड़ी पर कुछ आतंकवादियों ने एकदम से घात लगा दी और एक भयंकर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में कई जवान घायल हो गए हैं। सेना ने जवाबी कार्रवाई में आतंकियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी और आतंकियों की वाट लगा दी। और कुछ आतंकी हालांकि जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब रहे, तो घायल जवानों को सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके आतंकवादियों की खोज के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से गोलाबारी जारी है। सेना की अन्य टुकड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई के अलावा प्रशासन ने कुलगाम ज़िले की इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को भी फिलहाल बंद कर दिया है। दरअसल मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को किसने बंद किया है, मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। जब कोई आतंकवादी, आपको बता रहा हूँ कि जब कोई आतंकवादी कार्रवाई होती है कश्मीर में, तो आतंकियों का समर्थन करने के लिए वहाँ के कुछ लोग जो कि इस तरीके की मानसिकता का समर्थन करते हैं, वो लोग आपस में अपने जान पहचान और अपने नेटवर्क के लोगों को ऐसे मैसेज भेज देते हैं कि अगर यदि वो आतंकी आपके घर के आसपास हों तो उन्हें अपने घरों में पनाह दें, उन्हें शरण दें। तो ऐसी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय सरकार उस ज़िले में जहां पर कोई बड़ी आतंकवादी घटना हुई है वहां पर इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को बंद कर देती है कुछ समय के लिए, ताकि वहां के लोग आतंकियों का इंटरनेट के माध्यम से समर्थन और उनकी जो मदद है वो ना कर पाएँ। तो सेना के एक अधिकारी ने बताया कि घायल जवानों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। और पुलिस महानिरीक्षक डीजीपी एसपी वैद्य ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में दो आतंकी मारे गए हैं और बहुत भयानक तरीके से उनको गोलियां मारी गई हैं। कार्रवाई अभी भी जारी है। इससे पहले 22 जून शुक्रवार को भी आतंकवादियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की एक संयुक्त टुकड़ी पर एक बम ग्रेनेड फेंका था और गोलीबारी करी थी। त्राल इलाके के बस स्टैंड पर हुए इस हमले में 9 जवान बुरी तरह जख्मी हुए थे। इसी दिन सेना को अनंतनाग जिले में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए काफ़ी बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। सेना ने मुठभेड़ में इस्लामिक स्टेट के 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। तो जो कुछ ऐसे पत्रकार हैं हिंदुस्तान में जो बोलते हैं कि ISIS भारत में नहीं है, ISIS अभी कश्मीर में एक्टिव नहीं है, ये बात उन लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा करारा तमाचा है, क्योंकि सेना ने हाल ही में कश्मीर के अंदर इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS के 2-4 आतंकवादियों को मारा है। तो वो कहीं आसमान से तोड़ के नहीं आए, वो कश्मीर के ही लोग होंगे ना जो आतंकवादी वहाँ पर बने हैं। तो आगे जो है एसपी वैद्य जो कि डीजीपी हैं, उन्होंने बताया कि खिरम गांव में एक घर में 4 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। तो इस सूचना के प्राप्त होने पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई शुरू करी। शुक्रवार तड़के हुई मुठभेड़ में एक नागरिक के मारे जाने के साथ ही एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गया। पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ में घर के मालिक मोहम्मद, जो घर का मालिक था मोहम्मद यूसुफ, वो भी मारा गया, जबकि उसकी पत्नी हफीज़ा गोली लगने से घायल हुई। अब आप एक बात बताइए कि अगर घरों के अंदर आतंकवादी छिपे रहेंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे कहते हैं कोलेट्रल डैमेज यानी कि सामूहिक निषेध, वो तो होगा ही, क्या किया जा सकता है उसमें। आर्मी भी ऐसा नहीं कर सकती ना कि एक एक गोली कितना देख के चलाए। यदि कोई आदमी अपने घर में आतंकवादी को छुपा के बैठा है तो मैं तो कहता हूं दोस्तों वो भी आतंकवादी, ऐसे लोगों को भी ठोक देना चाहिए सीधे। आप क्या कहते हैं, आप मेरी इस बात का समर्थन करते हैं? अगर आप मेरी इस बात का समर्थन करते हैं कि जो लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं उन्हें भी सीधे आतंकवादी घोषित करना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें गोली मारकर ऑन द स्पॉट ठोक देना चाहिए, तो आप कमेंट में आप भी लिखें हाँ, यदि आप मेरी बात का समर्थन करते हैं तो हाँ लिखें, और अगर आप मेरी बात का समर्थन नहीं करते हैं, आप सेक्युलर हैं लिबरल हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ठोक के ना लिखें हमें कोई दिक्कत नहीं, पर आप जो दोस्त मेरा समर्थन करते हैं इस बात पर वो कमेंट में हाँ जरूर रखें, हाँ जरूर लिखें, कि तभी तो दोस्तों हमें पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो हमारा समर्थन करते हैं, देशभक्ति की विचारधारा का समर्थन करते हैं, भारतीय सेना का समर्थन करते हैं, और ऐसे कितने गद्दार छुपे हुए भेड़िए हैं इस देश में, वो इस कमेंट बॉक्स में आपको तुरंत नज़र आ जाएंगे। और दोस्तों नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर दबाएँ, क्योंकि ये लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मेरे और आपकी ताकत का सूचक है, एक इंडेक्स है। जब आप इसे दबाते हैं तो होता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्त लोग हमारे चैनल से, हमारी इस मुहिम से, देशभक्ति की जो मुहिम चला रहे हैं इस मुहिम से जुड़ते हैं, और हम मिलकर एक बहुत, जिसे कहते हैं कि वृहद यानी कि ग्रेटर नेटवर्क हम बनाते हैं, और उस नेटवर्क के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन खबरों को, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, ताकि आप लोग इस देश के अंदर लोकतंत्र को, इस देश के अंदर देशभक्ति की विचारधारा को मजबूत करें।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बस एक छोटी सी विनती और, कमेंट में हाँ जरूर लिखें यदि आप सेना के इस कदम का समर्थन करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर आतंकवादी और आतंकवादी के समर्थक को भी सीधे सीधे गोलियों से ठोक देना चाहिए तो कमेंट में आज हाँ जरूर लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हर आदमी तक, हर देशभक्त व्यक्ति तक इस खबर को पहुँचाएँ, और सेना की इस कामयाबी में आप भी खुलकर जश्न मनाएं। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।